आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, रंगों के प्रेम भरे त्योहार होली की शुभकामनाओं के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। ईश्वर ने खिलखिलाते रंग निहायती चंद बनाए हैं, उनमें से सबसे मोहक आज हमारी महफिल में आए हैं। जमेगा खूब रंग प्राइम टीवी के संग, ऐसे तराने वो अपने साथ लेकर आए हैं। आज हमारे साथ इस कविता भरी महफिल में कुछ मेहमान मौजूद हैं जो कि अपनी कविता से इस महफिल को सजाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर निशा सिंह नवल जी भी मौजूद हैं जो कि अपनी कविता से इस माहौल में चार चांद लगाएंगी। डॉक्टर सुभाष चंद्र रसिया जी मौजूद हैं जो कि अपनी कविता से इस समा को बांधेंगे। डॉक्टर अमित अवस्थी जी भी हमारे साथ इस महफिल में मौजूद है जो कि अपनी कविताओं से लोगों का समा बांधेंगे और अपनी कविताओं से लोगों को खुश करते नजर आएंगे आज हमारे साथ। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर श्वेता श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं जिनकी कविताओं को लोगों ने काफी प्यार दिया है, सराहा है। तो सभी मेहमानों का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डॉक्टर सुभाष चंद्र रसिया जी से। रसिया जी, आज होली का त्योहार है और ऐसे मौके पे आप हमारे दर्शकों की जो ये होली की शुरुआत है, जो ये होली की कविताओं की शुरुआत है, कौन सी कविता से करना चाहेंगे? बिल्कुल, हम लोग अवध में बैठे हैं तो अवध की होली से ही शुरू करेंगे हम। वाह। अपनी बात कुछ छंदों से शुरू करेंगे। तो प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत होली की मुबारकबाद और सभी दोस्तों को नमस्कार। आप लोगों के बीच में सबसे पहले अपनी बात हम एक छंद से शुरू करते हैं। स्वागत है। अवध में हम हैं तो अवध की बात जरूर करते हैं। वाह, क्या बात। तो अवध में राम के बगैर होली नहीं होती है, तो हम राम की होली से शुरू करते हैं। वाह वाह, स्वागत है, स्वागत है रसिया जी। होली की उमंग छाई चारों ओर, खुशी आई भरत लखन संग चले रघुराई है। वाह। रंग वा गुलाल मल किए हैं कपोल लाल, सराबोर हो गए हैं साथ चारों भाई हैं। क्या बात। गली गली नारियों को मारे पिचकारियां हैं, भीग रहे साधु संत भंग खूब खाई है। देवी देवता है नाच रंग ढोल वो मजीरा बाजे, रसिया के संग सखी फूल बरसाई है। क्या बात। रसिया के संग सखी फूल बरसाई है। वाह वाह वाह। दृश्य और देखें। हाँ, स्वागत। कि हनुमान जी जो है रंग घोर लेते हैं और भगवान को रंग डालने के लिए दौड़ते हैं। क्या बात, वाह वाह। इस दृश्य को देखिएगा, आनंद लीजिएगा आप लोग। कि घोल कर रंग लिए चले बजरंग बली, डालना है रंग मुझे नाथ रुक जाइए। क्या, वाह वाह। चलने लगे हैं प्रभु तीव्र गति बेग, अब ठहरो कफी से अब रुक कर आइए। मंद मुस्कान भारी देख माता जान की जी, वीर क्यों या धीर हुए रंग डलवाइए। आया चरा ओढ़ा के बोली हनुमान जी से माता, महल से बाहर सभी लोग जाइए। वाह वाह। महल से बाहर सभी लोग जाइए। तो एक दृश्य और रखता हूँ। स्वागत स्वागत। एक बाल्टी में रंग घोर लेते हैं हनुमान जी, और पीछे पीछे हनुमान जी है, आगे आगे जो है रघुराई जो है भाग रहे हैं। क्या बात। वही दृश्य देखिएगा पारंपरिक होली में। जी। कि घोरी के रंग वहाँ चले हनुमान, धावे ला श्री राम लला। क्या बात है, वाह वाह, बहुत मधुर। धावे ला श्री राम लला, घोरी के रंग वहाँ चले ला हनुमान, धावे ला श्री राम लला। आगे आगे भागे रघुराई, पीछे से कपिराज धावे। वाह, क्या बात। पीछे से कपिराज धावे, देख के हंसे माता जाने की, संग में भरत भुआल धावे, संग में भरत भुआल धावे। वाह वाह। माई कौशल्या के
वाह वाह। गोरी के रंगावा चले न हनुमान धावे न श्री राम लला। क्या बात है, वाह वाह। अवध की होली आपने बताई है, अभी तक तो राधा कृष्ण की होली देखने को मिलती थी, लेकिन जिस तरह से आपने अपनी पंक्तियों में भगवान श्री राम और हनुमान जी का वर्णन किया है, बहुत खूब रहा। एक भक्त का प्रेम है और ईश्वर के प्रति, और वो भक्त पीछे पीछे चलता है, तो एक दृश्य और देखें आप लोग। स्वागत। कि रुकी जाई नाथ अवनी भाई मोर साथ संग में रंग डलवाई, संग में रंग डलवाई, गली गली अवध में होत बाटे सोर, अब ना हमें अब भगाई, अब ना हमें अब भगाई। उर्मिला जी बोले दीदी तनी समझाई। देखिए दृश्य को कि उर्मिला जी खिड़की से देख रही हैं और अपनी बात कहती हैं माता जानकी से, कि उर्मिला जी बोले दीदी तनी समझाई, धावे न श्री राम लला, गोरी के रंगवा चले न हनुमान, धावे न श्री राम लला, गोरी के रंगवा चले न हनुमान, धावे न श्री राम लला। तो कलर जो है रंगों का त्योहार है, तो रंग जो है कई तरह के रंग जो है हनुमान जी लेकर के चल रहे हैं, देखिएगा उसका वर्णन है कि लाल पियर हरियर रंगवा घोराइल, अब अवध में हो, अब अवध में हो, मैया के पीछे जाके गईले लुकाई रघुराई न हो। वाह वाह, क्या दृश्य है, वाह। अचरा ओढ़ा के अब माई, अचरा ओढ़ा के अब माई, लिहली उनके बचाई, धावे न श्री राम लला, बाबा के रंगावा चले हनुमान, धावे न श्री राम लला, बाबा धावे न श्री राम लला। तो ये जो है भगवान के साथ जो है भक्त की होली रही जी। और अब एक वियोग प्रेम की गीत मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ। क्या बात है, बाबा वियोग प्रेम भी है, वाह। कि एक जो है नायक जो है प्रदेश में है और उनको जो है होली की याद आती है, तो देखिए अपनी बात वो कैसे कहते हैं जी। बसंती हवा मुझे बुलाने लगी, बसंती हवा मुझे बुलाने लगी, तेरी याद मुझको सताने लगी, सताने लगी, बसंती हवा मुझे बुलाने लगी, बसंती हवा मुझे बुलाने लगी, हाय कितना घना तेरा घाटी कवन, जैसे मधुशाला में डूबा सारा बदन, वाह 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 वाह, बदन कंचन कानन खुशबू लिए, खुशबू लिए, बदन कंचन कानन खुशबू लिए, इन फिजाओं में मादकता यूं भर दिए, गीत होठों से बुलबुल चुराने लगे। क्या वाह है, वाह। तेरी याद मुझको सताने लगी, तेरी याद मुझको सताने लगी, हुस्न मौसम का कितना हुआ बेखबर, जैसे डाली पे लटकी हुई है बवर, गेसुओं से कपोलों को सहला दिया। वाह क्या श्रृंगार है, वाह वाह। गेसुओं से कपोलों को सहला दिया, चांदनी की सुधा में नहला दिया, वाह वाह। सुर्ख हाथों की मेहंदी बुलाने लगी, बुलाने लगी, तेरी याद मुझको
सताने लगी, वाह वाह, तेरी याद मुझको सताने लगी। तो फिर एक बात और वो नायक कहता है कि वादियों की तुम ही हो सनम अप्सरा, हर कदम चूमती रेशमी ये धरा, सप्त रंगों का सावन तेरे अंग में। क्या क्या बात है, सप्त रंगों का सावन, सप्त रंगों का बात? सावन तेरे अंग में हम रंगे ही गए हैं तेरे रंग में। वाह वाह वाह, सावन की मुझको बुलाने लगी, बुलाने लगी, तेरी याद मुझको सताने लगी, तेरी याद मुझको सताने लगी, आके मधुमास में हम तो मिल ही गए, मल अनिल के सारे ये बन खिल गए, सांसों से जब जब तेरी ये सांसें मिली, ये सांसें मिली, सांसों से जब जब तेरी ये सांसें मिली, रजनीगंधा भी व्याकुल सी होने लगी, धड़कने मेरी तुझको बुलाने लगी, बुलाने लगी, क्या बात है, तेरी याद मुझको सताने लगी, तेरी याद मुझको सताने लगी। वाह वाह सुंदर, क्या बात है, वाह वाह वाह, जय हिंद जय भारत। बहुत अच्छी पेशकश दी है सुभाष जी आपने। सबसे पहले तो भक्त भगवान का प्रेम दर्शाया, उसके बाद अपनी पंक्तियों से जिस तरह से जो बिछड़ गए हैं उस बारे में भी बताया, और रंगों का जो चयन किया है आपने अपनी कविता में भी बहुत सुंदर है। अमित जी, अब आप क्या पेश करने वाले हैं? होली का इतना अच्छा माहौल है और सब रंगारंग देखने को मिल रहा है, तो आप क्या रंगारंग सुनाने वाले हैं? और आप सभी भी अपना पूरा पूरा योगदान दीजिए, महफिल को बहुत अच्छा बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर काव्य पाठ किया भैया डॉक्टर हमारे रसिया जी ने जी। और जब होली का माहौल है, चारों तरफ मस्ती छाई हुई है, बसंती बयार बह रही है, अभी रसिया जी ने उसका वर्णन किया कि किस तरह से याद आती है, तो कुछ मैं सोच रहा हूँ कि मुक्तक से प्रारंभ क्यों ना करूँ, प्रकार के मुक्तक है उससे प्रारंभ करता हूँ होली पर। देखिएगा कि लाल पीला हरा या नीला कोई रंग होगा, लाल पीला हरा या नीला कोई रंग होगा, अपने रंग में उन्हें रंगने का एक ढंग होगा, तो भंग छाने बिना ही मुझ पे नशा छाएगा, भंग छाने बिना ही मुझ पे नशा छाएगा, अब की होली में जो मन मीत मेरे संग होगा, अब की होली में जो मन मीत मेरे संग होगा। बहुत बहुत आभार, प्रेम का नशा आप दिखा रहे हैं। प्रेम का नशा होली पर और चढ़े, सभी को चढ़े भाई, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ये ऐसे ऐसा समय है कि अब प्रेम की आवश्यकता है, युद्ध तो बहुत देख लिया संसार ने। एक मुक्त किसी के साथ और जी। कि वक्त बदलेगा शुरुआत जरा होने दे, वक्त बदलेगा शुरुआत जरा होने दे, प्यास बुझ जाएगी बरसात जरा होने दे, दूर हो जाएंगे जो हैं तेरे शिकवे हमसे, दूर हो जाएंगे जो हैं तेरे शिकवे हमसे, दिल से दिल की ये मुलाकात जरा होने दे, दिल से दिल की ये मुलाकात जरा होने दे। तो ये दिल से दिल की मुलाकात होली करवाती है, और उसके बाद इसका संदेश क्या है ये भी एक मुक्तक में बता दें कि होली का संदेश हमारे नौनिहाल भी सुन रहे हैं उनके लिए, कि प्यार के रंग में रंगे रहना सिखाती होली, प्यार के रंग में रंगे रहना सिखाती होली, हमको आपस में घने रहना सिखाती होली, कि वक्त की आग भी इस मन को न छूने पाए, वक्त की आग भी इस मन को न छूने पाए, भक्त प्रहलाद बने रहना सिखाती हो, भक्त प्रहलाद बने रहना सिखाती होली।
और अभी शिखा जी कह रही थी कि भाई होली तो वृंदावन की ब्रज की प्रसिद्ध है और अवध की होली सुनाई हमारे डॉक्टर रसिया जी ने जी। तो मैं ब्रज की होली के बारे में भी कुछ दो छंदों में वर्णन कर देता हूँ कि दृश्य है कि सुबह सुबह कन्हैया उठे हैं, होली का दिन है और कन्हैया तैयारी कर ही रहे हैं कि वो रंगेंगे राधिका को, लेकिन उसके पहले राधा बाजी मार जाती हैं। तो क्या होता है देखिए जरा कि चोरी चोरी छोरी ब्रश भानु की किशोरी कर कंचन कटोरी रंग डारी के चली गई। वाह 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 वाह। चोरी चोरी छोरी ब्रश भानु की किशोरी कर कंचन कटोरी रंग डारी के चली गई। ओ भरे पिचकारी ठाड़ रही गे मुरारी मुख छवि भिन्न सारे ही बिगारी के चली गई। तो पीत पट कटी बांधे धरी कंबरिया कांधे सोचे कैसे राधे बाजी मारी के चली गई। पीत पट कटी बांधे धरी कंबरिया कांधे सोचे कैसे राधे बाजी मारी के चली गई। ओ छोड़ब ना हूँ ग्वाल बालन के सोहू छोड़ब ना हूँ छोड़ब ना हूँ ग्वाल बालन के सोहू बड़ी आई सारी इज्जत उतारी के चली गई। बड़ी आई सारी इज्जत उतारी के चली गई। बहुत बहुत आभार। अब राधा जी सोच रहे हैं कि कन्हैया रूठ गए हैं क्या, आए नहीं, तो अब राधा जी किस तरह से उनको मना रही और कह रही हैं। अच्छा, ये जरूर होता है होली में जितने भी लोग प्यार करने वाले होते हैं वो ये जरूर सोचते हैं कि सबसे पहले मैं ही रंग लगाऊंगा या मैं ही रंग लगाऊंगी। तो यही इसी चीज का वर्णन किया है आपने। निश्चित रूप से जब किसी का जन्मदिन होता है तो आप देखिए रात के 12 बजे से लोग कहते हैं कौन सबसे पहले विश करता है, तो बस वही चीज है होली में, सबसे पहले कौन अपने प्रियतम को या प्रियतमा को रंग लगाता है। तो कहती है राधा जी की न बर जोरी भीगी अंगिया न चोली कह श्याम से किशोरी भला ये भी कोई होली है। की नबर जोरी भीगी अंगिया न चोली कह श्याम से किशोरी भला ये भी कोई होली है। ओ हुआ ना धमाल उड़ा रंग ना गुलाल कोरे रहे मेरे गाल भला ये भी कोई होली है। तो दूर हम जोली हुई हंसी न ठिठोली निकली न टोली भला ये भी कोई होली है। कि तोड़ो मन की ना आस तोड़ो मन रूठे हैं कृष्ण तो कहनी तोड़ो मन की ना आस भरो ही में हुलास रचो रचो महाराज कहे हर कोई होली है। रूठना मनाना भी कहीं ना कहीं दिख रहा है, कृष्ण और राधा का प्रेम तो मशहूर है और रूठना मनाना भी काफी चला ही है। तो मैं इसी क्रम को और थोड़ा आगे बढ़ाऊं और गीत को एक इस हमारे सम्मेलन को हमारे इस बैठक को हम लोग लेकर चलते हैं थोड़ा सा हास्य व्यंग की ओर कि जो हमारा ये आज का वातावरण है भाई, आज के समय में होली सबसे अच्छी, आप सब मानते होंगे कि आज ये वाली होली किसकी सबसे अच्छी मन रही है, एक ही व्यक्ति है जिसकी सबसे अच्छी होली आज मन रही है पूरे प्रदेश में। तो वो जो होली है उसको मनाने का जो कारण है वो हम सब जान रहे हैं। तो हमारे अवध प्रांत की जो नारियाँ हैं, नायिकाएँ हैं, स्त्रियाँ हैं, अपने घरों में किस तरह से बात करती हैं कि होली क्या है, अब वो देरा समझिएगा वो क्या कह रही हैं अपने इस गीत में। कि मोरे सैया जी ऐसे कमाल, मोरे सैया जी ऐसे कमाल गजब रंग खेले हो। मोरे सैया जी ऐसे कमाल गजब रंग खेले हो, घर में घुस के करे हैं धमाल गजब रंग खेले हो, घर में घुस के करत हैं धमाल गजब रंग ख्याले हो। मोरे सैया जी ऐसे कमाल गजब रंग ख्याले हो। अब सैया कौन है उसका वर्णन देखिए कैसे कर रही है। कि छोटे से सैया जी लंबे न चौड़े पावरफुल हैं जैसे घन के हथौड़े। छोटे से सैया जी लंबे न चौड़े पावरफुल हैं जैसे घन के हथौड़े। अब की बुलडोजर पा चढ़ी के आई हैं केसरिया पिचकारी खूब चलाई हैं। घर फोड़वा हो जई हैं बिहार गजब रंग ख्याले हो। घर फोड़वा हो जई हैं बिहार गजब रंग ख्याले हो। मोरे सैया तो ऐसे कमाल गजब रंग ख्याले हो।
आगे आगे देखिए अगला बंद जो है। कहीं ना कहीं आपने बुलडोजर का जिक्र कर ही दिया। भाई होली है और एक ही व्यक्ति होली मना रहा है इस बार, एक ही व्यक्ति तो, नहीं मतलब जिसकी सरकार बनी है तो वो तो होली तो मना रहा है। मैं उसको खुल के नहीं कहना चाह रहा था, आपने कहा कि भाई पूरे प्रदेश में बनता है, बिल्कुल निश्चित रूप से हार तो सभी का है, लेकिन जो जीता है उसकी खुशी तो बिल्कुल अलग है ही। अवध की नारियां किस तरह से उसको सखियों से बता रही है, कह रही देखिए इसमें अगला बंद देखिएगा। कहती है कि न्यूरा ओ हाथी तो भूई पापरे हैं, न्यूरा न्यूरा से आप समझ गई होंगी कि न्यूरा ओ हाथी तो भूई पापरे हैं, शिव के नंदी मौर ताने खड़े हैं, लड़की ना लड़ी पाई पंजाऊ खरीगा, लड़की ना लड़ी पाई पंजाऊ खरीगा, बबुआ रंग खेले से देखो पिछरीगा, बबुआ रंग खेले से देखो पिछरीगा, भवा खिसियाए ते गाल लाल, गजब रंग क्या ले हो, भवा खिसियाए से गाल लाल, गजब रंग क्या ले हो। और एक संदेश भी दे रही है अपने गीत में अवध की नारी, कहती है कि अब की ना चूक्यो रंग जम के लगायो, अब की ना चूक्यो सैया जी, अब की ना चूक्यो रंग जम के लगायो, सब ही की जिंदगी माँ खुशहाली लायो, बुढ़वन का पेंशन जवनवन का धंधा, बुढ़वन का पेंशन जवनवन का धंधा, खेती हर के अन्न होए कबहू ना मंदा, हुए अमित सब माला माल, गजब रंग ख्याल हो, हुए अमित सब माला माल, गजब रंग ख्याल हो, मोरे सैया तो ऐसे कमाल, गजब रंग ख्याल हो, मोरे सैया तो ऐसे कमाल, गजब रंग ख्याल हो। एक बार फिर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं जी। अमित जी ने पूरी पूरी होली जो है उत्तर प्रदेश की बता दी कि उत्तर प्रदेश में कैसे होली मनाई जा रही है, और पूरी राजनीति को भी दिखा दिया है कि होली में किस तरह से इस बार राजनीतिज्ञ होली मनाएंगे, जिस तरह से इस बार हमने राजनीति देखी और जितना जोरदार प्रचार प्रसार हुआ और उसके बाद जो परिणाम सामने आए हैं, तो कुछ लाइनों में ही अमित जी ने बता दिया है कि इस बार अवध में कैसी होली है। अब हम निशा जी की तरफ बढ़ते हैं। निशा जी, आप क्या सुनाने वाली हैं? आज होली का दिन है और होली के दिन में आप क्या पेश करेंगी? बिल्कुल, कुछ मैं भी पेश करूंगी। श्रृंगार का मैं सोच रही हूँ कि सबने पढ़ा है हास्य और व्यंग जी, श्रृंगार से मैं जोड़ती हूँ। सबसे पहले मैं सभी साथियों को नमस्कार करती हूँ और होली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ, और चार पंक्तियों से जोड़ने की कोशिश करती हूँ मैं। स्वागत है। कान्हा में तेरे प्रीत में परिवार छोड़ दूं, कान्हा में तेरे प्यार में परिवार छोड़ दूं, परिवार चीज क्या है घर बार, क्या बात है, क्या बात है, चीज क्या है घर बार छोड़ दूं, रंग दे मेरे मोहन मुझे तो प्रेम रंग से, वाह वाह, रंग दे मेरे मोहन मुझे तो प्रेम रंग से, मैं बावरी मीरा तेरे संसार, क्या बात है, वाह 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 निशा जी, वाह, बावरी मीरा तेरा संसार छोड़ दो, क्या बात, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद दोस्तों। और एक सीधे सीधे गीत से जोड़ती हूँ। स्वागत। ऐसे गीत से जो जिसमें नई नवेली दुल्हन के भावों को अभिव्यक्त करने की मैंने कोशिश की है। नई नवेली दुल्हन जब ससुराल में पहली बार आती है और अपने पति के साथ होली मनाती है, उनके भावों मनोभावों को वर्णन करने की मैंने कोशिश की है। स्वागत। कि रंग गुलाल लगावे सजना आई जब से होली, रंग गुलाल लगावे सजना आई जब से होली, रंगी पिया के रंग में मैं भी दुल्हन नई नवेली, मैं भी दुल्हन नई नवेली, मैं भी दुल्हन नई नवेली। और बंद देखिएगा साथियों, कि ढोल मृदंग बजे गलियों में अंबर सजी रंगोली, ढोल मृदंग बजे गलियों में अंबर सजी रंगोली, सदियों से बहलाए जीवन रंगों की अटखेली, रंगों की अटखेली, वाह वाह, प्रेम उर पावन गंगा,
वाह वाह। रंगी पिया के रंग में मैं भी दुल्हन नई नवेली। वाह वाह, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत धन्यवाद। और अगले बंद में देखिए क्या दुल्हन कहती है। कि सात रंग की चढ़ी खुमारी, अंग अंग पर भारी। सात रंग की चढ़ी खुमारी, अंग अंग पर भारी। गीले व संदेह पर लिपटे मैं साजन से हारी, मैं साजन से हारी। मंद मधुर मुस्कान अधर प्रिय, मंद मधुर मुस्कान अधर प्रिय। करते रहे ठिठोली, करते रहे ठिठोली। रंगी पिया के रंग में मैं भी दुल्हन नई नवेली, मैं भी दुल्हन नई नवेली। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अगला बंद देखिएगा आप सभी का ध्यान। और इसलिए चाहूंगी कि गली मोहल्ले बाहर भीतर सखी हुड़दंग मचाए। गली मोहल्ले बाहर भीतर सखी हुड़दंग मचाए। और मौसम भांग हवा में घोले, साजन अंग लगाए। क्या बात है, साजन अंग लगाए। राग राग में झूमे तन मन। क्या बात, राग राग में झूमे तन मन। संग सखियों की टोली, संग सखियों की टोली। रंगी पिया के रंग में मैं भी दुल्हन नई नवेली, मैं भी दुल्हन नई नवेली। बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर आपने कविता लिखी है। और जिस तरह से आपने नई दुल्हन का वर्णन किया है, उसकी पहली होली सही में हर किसी के लिए खास होती है। जो शादी होती है उसके बाद की जो पहली होली होती है वो सभी के लिए खास होती है, और पूरा परिवार मनाता है। सिर्फ नए दुल्हा दुल्हन ही नहीं, पूरा परिवार उसमें शामिल होता है। और अगर जब बात होली की हो रही है तो उसमें राधा कृष्ण का वर्णन जरूर होता है। उनका प्रेम हर कोई याद करता है, उन्हीं के इर्द गिर्द और उनकी होली को कहीं ना कहीं हर कोई याद करते हुए। तो मैं भी कुछ पेश करना चाहूंगी। जब राधा कृष्ण की होली को सब याद करते हैं तो कहीं ना कहीं राधा कृष्ण को जब भी गोपियों ने होली खेलते हुए देखा है तो सभी उनके साथ होली खेलना चाहती थी। तो जब गोपियों ने राधा कृष्ण को साथ में होली खेलते हुए देखा तो उनके मन में भाव आया कि श्याम रंग में रंग जाऊं, तेरे संग में रास रचाऊं, मेरा कान्हा मैं तेरी राधा बन जाऊं। तो सभी राधा बनना चाहती थी, जितनी भी गोपियां थी। और आज भी कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता ही है कि जो प्यार करता है तो वो दूसरे के रंग में रंगना चाहता है। तो हम चाहेंगे कि इसी चीज को आप लोग आगे बढ़ाएं, कुछ प्रेम भरी लाइनें पेश करें और हमारी जनता को इस होली के रंग में सराबोर करें। मैं चाहती हूँ कि प्रेम पर बात चलिए तो मैं थोड़ा सा और कुछ पहुँचाती हूँ। स्वागत स्वागत निशा जी, एक गजल से जोड़ती हूँ, सुनिएगा। दुनिया भी आपसे है, जमाना भी आपसे। दुनिया भी आपसे है, जमाना भी आपसे। उनसो वफा का प्यारा फसाना भी आपसे। दुनिया भी आपसे है, जमाना भी आपसे। और अगला शेर देखिएगा दोस्तों। तन्हाई मेरी मुझसे ये कहती है बारहा, तन्हाई मेरी मुझसे ये कहती है बारहा। मनसब भी आपसे है, मनसब भी आपसे है, ठिकाना भी आपसे। दुनिया भी आपसे है, जमाना भी आपसे। और अगला शेर देखिएगा दोस्तों, आप सभी के हवाले करती हूँ। लगता नहीं कोई मुझे है आपसे प्यारा, लगता नहीं कोई भी मुझे आपसे प्यारा। सुनना ये आपसे है, बताना भी आपसे। सुनना भी आपसे है, बताना भी आपसे। दुनिया भी आपसे है, जमाना भी आपसे। और अंतिम शेर देखिएगा इसका। जाना कभी न छोड़ के है इतनी इल्तिजा, जाना कभी न छोड़ के है इतनी इल्तिजा। है धड़कनों में मेरी तराना भी आपसे, है धड़कनों में मेरी तराना भी आप।
आपसे क्या बात है बाबा, दुनिया भी आपसे है, जमाना भी आपसे, वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद दोस्तों, होली की पुनः आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद जी। श्वेता जी अब आपकी तरफ चलते हैं, आप क्या सुनाने वाली हैं? यहाँ पे अवध भी देख ली, अवध की होली भी देख ली, जिस तरह से प्यार के रंग देख लिए, बहुत कुछ देख लिया, चुनावी रंग भी देख लिए, आप क्या सुनाने वाली हैं? देखिए सारे रंग हैं जी, और होली मुझे बेहद पसंद है। इतना अच्छा डॉक्टर साहब ने भी पढ़ा, अवध की बात करी उन्होंने, और इतना अच्छे भाव थे, हम लोग एकदम जिसको बोलते आध्यात्मिक हो गए थे, और एक रंग हमने जो है यहाँ का भी देखा, चुनावी रंग भी देखा, और हमारी प्रिय बहन निशा ने बहुत ही सुंदर गजल पढ़ी और श्रृंगार पढ़ा। मैं कुछ नोक झोंक की बातें करती हूँ, स्वागत के बिना माहौल नहीं बनता है, स्वागत है, स्वागत है, नोक झोंक बहुत जरूरी है, बिल्कुल। एक मुक्तक से जोड़ती हूँ आप सभी को, सबसे पहले तो प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को मैं होली की बहुत 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 शुभकामनाएं देती हूँ, और ऐसे ही आपके जीवन में निरंतर रंग ऐसे ही खिलता रहे, हमेशा प्रसन्न रहिए आप लोग। चलिए आप सभी को एक मुक्तक से जोड़ती हूँ, नोक झोंक की कुछ बातें करती हूँ, सुनिएगा। अपना भी नहीं है ये, पराया भी नहीं है, क्या बात है, अपना भी नहीं है ये, पराया भी नहीं है, फागुन ने मेरा साथ निभाया, क्या बात है, वाह वाह, अपना भी नहीं है ये, पराया भी नहीं है, ये उन सभी स्त्रियों के लिए जो अपने पति कह लीजिए या जो प्रेमी कह लीजिए, जो नायक कह लीजिए, उनके लिए ये शिकायत करती है कि देखिएगा अगला, कि अपना भी नहीं है ये, पराया भी नहीं है, फागुन ने मेरा साथ निभाया भी नहीं है, लाली अभी से गाल पे छाने लगी मेरे, लाली अभी से गाल पे छाने लगी मेरे, साजन ने अभी रंग लगाया, क्या बात है, क्या बात है, रंग लगाया भी नहीं है, बहुत बहुत आभार आप सभी का, दूसरे मुक्तक पे आती हूँ मैं, बिल्कुल स्वागत है। होली में ये बुखार भी भारी चढ़ा मुझे, देखिए कितनी क्या बात लड़ाई हो रही है, सुनिएगा। होली में ये बुखार भी भारी चढ़ा मुझे, बलमा निकल लिए है क्यों झाड़ी चढ़ा मुझे, क्या बात है, हमेशा यही होता है कि वो बलमा जो होते हैं, अरे नहीं बहुत अच्छा बनाते हो, तो भुजिया बहुत अच्छी बनाते हो, तो चढ़ा देते हैं झाड़ी पे। होली में ये बुखार भी भारी चढ़ा मुझे, बलमा निकल लिए है क्यों झाड़ी चढ़ा मुझे, ऊपर से पानी डाल के नजरों की शरारत, ऊपर से पानी डाल के नजरों की शरारत, भीगे बदन पे रंग गुलाबी, क्या बात है, भीगे बदन पे रंग गुलाबी चढ़ा मुझे। अगला मुक्तक आप सभी, मुक्तक आप सभी के सामने रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। मोहब्बत से मुझे छूकर सजन तुम फाग कर दो, मोहब्बत से मुझे छूकर सजन तुम फाग कर दो, नयन से देख लो कुछ यूं, नयन तुम फाग कर दो, मोहब्बत से मुझे छूकर सजन तुम फाग कर दो, नयन से देख लो कुछ यूं, नयन तुम फाग कर दो, तुम्हारे मन को देखा है, तुम्हारे मन का प्यासा है, तुम्हारे मन को देखा है, तुम्हारे मन का प्यासा है, लगा कर रंग गालों पर, लगा कर रंग गालों पर, ये मन तुम फाग कर, रंग गालों पर, ये मन तुम फाग कर दो। देखिए अभी जो ये अभी जो चल रहा है जी, जो इतनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, तो अब मैं उस पे आती हूँ, बिल्कुल। होली जो है ना, हम
क्यों मना रहे हैं या हमें मतलब कैसे मनानी चाहिए। बिल्कुल, एक संदेश है इस गीत के माध्यम से मैं आप सभी को देती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि क्या सबब है जो हम नफरतों में जिए, क्या सबब है जो हम नफरतों में जिए, क्यों भला हम जहर दुश्मनी का पिए। क्या बात है, क्या बात कही। होली का पर्व है, हर तरफ हर्ष है। होली का पर्व है, हर तरफ हर्ष है, प्यार की दो सदा ये भी नववर्ष है। क्या बात है। होली का पर्व है, हर तरफ हर्ष है, प्यार की दो सदा ये भी नववर्ष है। देती संदेश होली हमें प्यार का, देती संदेश होली हमें प्यार का, भाव में दिल, भाव दिल में भरो अच्छे व्यवहार का। वो कहते हैं कि जब होली आती है तो दुश्मनों को भी गले लगा लेना चाहिए। बिल्कुल, तो होली जो है ना, जो रंग, जो जीवन में जो रंग भरता है वो होली के माध्यम से ही पता चलता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश दे रही हैं आप। देती हो, देती संदेश होली हमें प्यार का, देती संदेश होली हमें प्यार का, भाव दिल में भरो अच्छे व्यवहार। क्या बात है। भाव दिल में भरो अच्छे व्यवहार का, प्यार सद्भाव होली का निष्कर्ष है। क्या बात है। होली का पर्व है, हर तरफ हर्ष है, प्यार की दो सदा ये भी नववर्ष है। अपन सुनिएगा। स्वागत है। द्वेष दिल में मिटा कर करे प्यार सब। मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को ये कहना चाहूंगी कि द्वेष बिल्कुल भी ना रखे मन में। द्वेष दिल में मिटा कर करे प्यार सब, प्यार से हम करे दिल का श्रृंगार अब। प्यार से हम करें दिल का श्रृंगार अब। प्यार की राग होली का उत्कर्ष है, प्यार की राग होली का उत्कर्ष है। होली का पर्व है, हर तरफ हर्ष है, प्यार की दो सदा ये भी नववर्ष है। क्या बात है। धर्म और जाति, शिखा जी सुनिएगा। बिल्कुल। धर्म और जाति छोटा बड़ा क्या भला, धर्म और जाति छोटा बड़ा क्या भला, ये वो दुर्भाव है जिसने सबको छला। क्या बात है। बिल्कुल सही बात। दुर्भाव है जिसने सबको छला। प्यार की राहों में ये क्या संघर्ष है, प्यार की राहों में ये क्या संघर्ष है। होली का पर्व है, हर तरफ हर्ष है, प्यार की दो सदा ये भी नववर्ष। श्वेता क्या कहती है। स्वागत है। श्वेता एक संदेश देती है कि श्वेता सबसे कहे आज वादा करो। श्वेता संदेश कहे आज आज वादा करो, प्यार से हम रहे ये इरादा करो। क्या बात है। प्यार से हम रहे ये इरादा करो। प्यार मानव का जीवन आदर्श है, प्यार मानव का जीवन आदर्श है। होली का पर्व है, हर तरफ हर्ष है, प्यार की सदा ये भी नववर्ष है। आप सभी को पुनः होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। सभी अपना बहुत ख्याल रखिए और जो भी है गिले शिकवे उसको मिटा दीजिए, द्वेष बिल्कुल मत रखिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत अच्छा संदेश दिया है आपने श्वेता जी। और इसमें होली में सभी रंग होते हैं, सिर्फ सात रंग तो कहने की बात है लेकिन हर रंग होते हैं। एक प्रेम का रंग भी होता है। कुछ लोगों पे होली का रंग, कोई बच तो नहीं पाता है होली के रंगों से, लेकिन एक रंग कहते हैं ना जड़ता है प्यार का, तो वो लोग कहते हैं कि तेरी चाहत का रंग चढ़ा है मुझ पर, वो अगर उतर जाए तो होली खेल लूं। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। मतलब ये पता चल रहा है शिखा जी कि हम कवियों और कवित्रियों के साथ बैठ के आप भी कवि हो गए। हाँ बिल्कुल, असर चढ़ रहा है। होली का रंग चढ़ता है, असर भी होता है। बिल्कुल। तो अब एक बार फिर से हम सुभाष चंद्र जी की तरफ चलेंगे। डॉक्टर साहब, अब आप क्या सुनाने वाले हैं। माहौल तो बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है, इसको आगे बढ़ाइए। आप लोगों के बीच में एक गीत रखता हूँ, प्रेम के गीत रखता हूँ कि
जब आपने बहुत बड़ी बात कही कि एक प्रेम का रंग होता है होली में जी। वो एक जब रंग चढ़ता है तो अलग ही चढ़ता है। मैं प्रेम की बात करता हूँ कि हम तुम्हें पढ़ लिए, तुम हमें पढ़ लिए, हम तुम्हें पढ़ लिए, तुम हमें पढ़ लिए, तुम हमें पढ़ लिए, गीत में आपको तो सनम गढ़ लिए, हम तुम्हें पढ़ लिए, तुम हमें पढ़ लिए, तुम हमें पढ़ लिए, शायरों की गजल आशिकों की कथा, आशिकों की कथा, शायरों की गजल आशिकों की कथा, क्या हुई है कमी अब बता दे खता, अब बता दे खता, गीत में आपको तो सनम मर लिए, हम तुम्हें पढ़ लिए, तुम हमें, क्या बात है, तुम हमें, बहुत शानदार, मीत मन का रहे जो वीराना हुआ, जो वीराना हुआ, मीत मन का रहे जो वीराना हुआ, सूल बन कर चूहे दर्द दूना हुआ, दर्द दूना हुआ, इस जहां में खड़े हो सुली चढ़ लिए, हम तुम्हें पढ़ लिए, तुम हमें पढ़ लिए, तुम हमें पढ़ लिए, आपकी जो इनायत बरसती रहे, बरसती रहे, आपकी जो इनायत बरसती रहे, आंख दीदार को अब तरसती रहे, अब तरसती रहे, हाथ से हाथ खींचे कहाँ बढ़ लिए, हम तुम्हें पढ़ लिए, तुम हमें पढ़ लिए, तुम हमें पढ़ लिए, तुम हमें पढ़ लिए। बहुत खूबसूरत है। होली की बहुत बहुत मुबारकबाद सभी को जी। बहुत बहुत आभार सबका, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुभाष जी, आपने पढ़ने लिखने की बात करी है, लेकिन हर कोई प्रेम को पढ़ नहीं पाता है, जो पढ़ लेता है वो शायर बन जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। निशा सिंह नवल जी हमारे साथ जुड़ी थी, जिन्होंने अपनी बेहतरीन पंक्तियां सुनाई। डॉक्टर सुभाष चंद्र रसिया जी जुड़े थे, डॉक्टर अमित अवस्थी जी जुड़े थे, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर श्वेता श्रीवास्तव जी जुड़ी थी। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे और इस महफिल को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां पे होली का जश्न मनाया जा रहा है कविताओं के साथ। रंगों यानी उल्लास, यानी कि खुशी, यानी प्रेम, अपनापन, कुछ भी कहें, इस पावन त्योहार की व्याख्या शब्दों में करना संभव नहीं है, क्योंकि इस त्योहार को हम जाति धर्म भेदभाव से अलग केवल प्रेम के आधार पर ही मनाते हैं। ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ है, अटूट है, मनभावन है, और होली के इस महान पर्व की कल्पना प्रेम के बिना करना संभव नहीं है। और इसी प्रेम भरी कविताओं के इस माहौल में हमारे साथ कुछ नए मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनका तारुफ हम आपसे कराना चाहेंगे। हमारे साथ आशुतोष आशु जी जुड़ चुके हैं, जो अपनी कविताओं से हम सभी का मन मोह लेंगे। चेतराम अज्ञानी जी जुड़ चुके हैं, जिनकी कविताएं लोगों को काफी भाती हैं। साथ ही योगी योगेश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनकी कविताएं भी लोगों को काफी पसंद आती हैं। होली का माहौल है, कविताओं के बिना, गानों के बिना ये होली कुछ फीकी सी लगती है। तो सबसे पहले हम जुड़ेंगे आशुतोष आशु जी से, जो कि अपनी कविताओं से इस समा को बांधेंगे। आशुतोष जी, प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का अवसर है, चार पंक्तियों से मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। स्वागतम। होली का क्या माहौल होता है, चार पंक्तियों में पढ़ता हूँ कि गर लाल लाल हो गाल तो होली है, गर लाल लाल हो गाल तो होली है,
बहकी बहकी हो चाल तो होली है, भंग रंग के डूब के यारों मस्ती में, जब दादा करें बवाल तो होली है। हाय 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 हाय। और क्या होता है एक माहौल, एक प्रेम की बात होनी चाहिए होली है, तो चार पंक्तियां मैं और पढ़ता हूँ। स्वागतम। दूर सारा मलाल हो जाए, दूर सारा मलाल हो जाए, प्यार का रंग लाल हो जाए, आओ होली में कुछ करे ऐसा जिससे जीवन गुलाल हो जाए, जिससे जीवन गुलाल हो जाए, गुलाल हो जाए। और होली पे दो तीन छंद में पढ़ता हूँ। और क्या स्थितियाँ होती है, मैं एक भगवान से मैं क्या प्रार्थना करता हूँ होली पे, चार पंक्तियाँ आप लोग सुनिए, पूरा हास्य का माहौल मैं हास्य का कर लूं। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, बहुत अच्छा है भैया। तो सुजी सुनिए। जाति धर्म पंथ वाले झगड़े करे ना कोई, जाति धर्म पंथ वाले झगड़े करे ना कोई, एक दूसरे से अब दिल मिलवाइए, चारों ओर अपना तिरंगा लहराने हेतु प्रेम वाले गीत कुल सब से गवाइए, प्रगति वाले पथ पर प्लेन सा दौड़ा के देश चीन अमेरिका से भी आगे करवाइए, चीन अमेरिका से भी आगे करवाइए। होली में तो इसे बार देके वरदान प्रभु, होली में तो इसे बार देके वरदान प्रभु, पतियों को पत्नी की मार से बचाइए, पतियों को पत्नी की मार से बचाइए, सारे पीड़ित पतियों के लिए है। और चार पंक्ति मैं इसी खानदान की मैं और पढ़ता हूँ, आप लोग आनंद लीजिए। आप तंग कस रहे हैं, घर जाके आपको पता चलेगा। जी जी जी, देखा जाएगा, आप लोग आनंद लीजिए। कि यहाँ वहाँ घूमने की, यहाँ वहाँ घूमने पे खुलते हैं ज्ञान चक्षु, घर मेरे आके प्रभु यही समझाइए, यहाँ वहाँ घूमने पे खुलता है ज्ञान चक्षु, घर मेरे आके प्रभु यही समझाइए। जियो का भी नेट का भी रहे ना खराब, अब टावर पड़ोस में ही आप बनवाइए, और दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप चलाऊं पर पिटने से मुझको तो आप बचवाइए, पिटने से मुझको तो आप बचवाइए। और बार बार डांट कर खाती है दिमाग प्रभु, बार बार डांट कर खाती है दिमाग प्रभु, जीभ पर पत्नी के ताला लगवाइए, जीभ पर पत्नी के ताला लगवाइए। और जो युवा जी कोई युवा अगर कभी कार्यक्रम देख रहा हो उसके लिए चार पंक्ति में पढ़ता हूँ, ज्यादा कविता पढ़ने में क्या समस्याएं होती है, आप लोग आनंद लीजिए, होली का अवसर है। कि सबको सुना के नीते अंट संट कविताएं, मंच का भी सम्मेलनों के जब लूटने लगे, सुघड़ सलोनी और ऊंची खानदान वाली, दादाजी भी पढ़ी लिखी बाहू ढूंढने लगे, मामा नाना ठीक ठाक रिश्ते ले आए, किंतु कवि के ही नाम पर सब टूटने लगे, कवि के ही नाम पर सब टूटने लगे। और कविता सुनाने पे जो भाग देख वार, तब मुझको तो लेके लठे बाबू कूटने लगे, मुझको तो लेके लठे बाबू कूटने, ये समस्याएं आती हैं। और इससे कुछ समय पहले मतदान हुआ और नया नया भी रिजल्ट आया है, तो होली का अवसर है, मैं कुछ जोगीरा पढ़ना चाहता हूँ, थोड़ा सा राजनीति की अगर बात ना हो तो फिर मजा आधी रह जाएगी, माहौल बनना चाहिए। कुछ जोगीरा पढ़ता हूँ, आप लोग आनंद लीजिए। राजनीतिक परिदृश्य कुछ दिन पहले का, आप देखिए क्या स्थितियाँ अभी हुई है, उसकी आवश्यकता है भाई। तो बहुत लंबी लंबी जीव लोगों के लिए बहुत इधर उधर की बातें सुनने में आई, तब एक दोहा में पढ़ता हूँ। कि लंबी लंबी जीव के उल्टी सीधी बोल, लंबी लंबी जीव के उल्टे सीधे बोल, कुछ कौवे इस देश में जहर रहे हैं घोल, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और क्या स्थितियां होती हैं, पंजाब और दिल्ली जाइए तो वहाँ क्या स्थितियां हुई। कि दिल्ली संग पंजाब में, दिल्ली संग पंजाब में गला के अपनी दाल, पीएम बनने के लिए केजरी ठोके ताल, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और बहुत सारे चुनाव के चिन्ह थे, देखिए क्या स्थितियां होती हैं। टायर तो पंचर हुआ,
टायर तो पंचर हुआ साइकिल चकनाचूर, टायर तो पंचर हुआ साइकिल चकनाचूर, कुर्सी फिर अखिलेश से सीएम वाली दूर, जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। और क्या होता है कि जनता ने जब जवे दिया बड़े जोर की चोट, जनता ने जब जबे दिया बड़े जोर की चोट, नेताजी कहने लगे ईवीएम में खोट, भैया जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। और क्या स्थितियां होती है कि जो भी नेता हो गए राजनीति में फेल, जो भी नेता हो गए राजनीति में फेल, बाबा जी के राज में बेचेंगे वो तेल, जोगीरा सारा रा रा जोगीरा सारा रा रा रा। और क्या स्थितियां होती हैं कि आया जब परिणाम तो देख के अपनी सीट, आया जब परिणाम तो देख के अपनी सीट, बुआ भतीजा संग में शीश रहे हैं पीठ, जोगीरा सारा रा रा। और स्थितियां एक दो में और पढ़ता हूँ। बिल्कुल कि अपने दल का जब कभी करेगा एकदम नाश, एक नेता है बड़ा प्रचलित नाम है अभी आपको मिल जाएगा, कि अपने दल का जब कभी करेगा एकदम नाश, निश्चित ही हो जाएगा उस दिन पप्पू पास, जोगीरा सारा रा जोगीरा। और देखिए क्या आपने पत्नियों पे जम के तंज कसा है, उसके बाद अब पार्टियों पे जी जी क्या चाह रहे हैं आप, माहौल बनाने में सबको घेर रहे हैं का चल रहा है। और सुनिए बिल्कुल बिल्कुल कि यहाँ पे दो इंजन की ट्रेन चल गई है यूपी में, तब दोहे देखिए जी कि दो इंजन की रेल को लग जाएगा पंख, यूपी में है बजे रहा राष्ट्रवाद का संग, जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा। और एक दोहा देखिए, बुलडोजर बड़ा प्रचलित रहा, तब दोहा देखिए कि यूपी के मतदान में बुलडोजर के संग बाबा ने तो कर दिया यारों सबको दंग, जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छा आपने एकदम इतना हंसाया है लोगों को, जहां पहले पति पत्नी की नोकझोंक सुनाई उसके बाद इन्होंने राजनीति को बीच में ला के जिस तरह से विपक्ष की टांग खींची है, ये सच में माहौल बनाने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और योगी जी से, जो हमारे इस वक्त कवि है योगी जी, हम योगी आदित्यनाथ जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम योगी योगेश शुक्ल जी की बात कर रहे हैं, जो कि इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं और अपनी कविताओं से इस समारोह में जान डालेंगे और आगे बढ़ाएंगे। स्वागतम जी। सभी को प्रणाम, आपको भी प्रणाम और प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं मेरी ओर से। खूब अच्छे से आप लोग की होली बीते। और मैं कविता पर आता हूं, होली पर एक गजल होली से संबंधित कुछ चित्र रखूंगा आप सबके। स्वागत रखता हूं, मैं शुरू करता हूं। कहता हूं कि मेरे कपड़ों पे फेंका रंग बोली, मेरे कपड़ों पे फेंका रंग जी बोली बुरा मत मानना है आज होली। क्या बात है। मेरे कपड़ों पे फेंका रंग बोली बुरा मत मानना है आज होली। और एक रिश्ता होता है, देखिए देवर भाभी का बड़ा क्या बात है। आप थोड़ा नटखट भी है। जी क्या बात है। एक चित्र रखता हूँ, सुनिएगा कि सभी देवर पड़े हैं आज पीछे। क्या बात है। भिगोने को बड़ी भाभी की चोली। क्या बात है, बड़ा अनुभव है। उसी तरह एक रिश्ता और, जीजा साली का एक चित्र और देखिए कि गए थे जोश में जीजा जी रंगने मगर साली नहीं दरवाजा खोली। क्या बात है। और देखिए अब घर की होली से मैं आपको सड़कों के माहौल पर ले जाता हूँ। आप सबने देखा होगा इस तरह का एक माहौल कि बनाकर गुट युवा निकले घरों से। क्या बात है। बनाकर गुट युवा निकले घरों से,
लगे जो रंगबाजों की हो टोली। क्या बात है। और अभी कल ही हुई थी उनमें झगड़ा। ये होली का त्योहार। क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं दुश्मन भी गले लग जाते हैं। दोस्त हो जाते हैं। दृश्य देखिए कि बनाकर गुट युवा निकले घरों से। क्या बात। लगे जो रंगबाजों की हो टोली। और अभी कल ही हुई थी उनमें झगड़ा। क्या बात है। गले से आज लग करते ठिठोली। क्या बात है, क्या बात है। देखिए ये होली के चलते हो जाता है। और एक दृश्य थोड़ा विभत्स मैंने तो देखा है, आप सबने भी देखा होगा। अच्छा, ऐसा होता है, करना नहीं चाहिए। अच्छा, ऐसा जी, 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 करते हैं जी, जी, जी। कि नशा करके गिरे कीचड़ में जाके पचा पाए नहीं वो भांगोली। क्या बात है, क्या बात है। और ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत को के लिए मनाया जाता है। बिल्कुल। होली का जिसे आशीर्वाद था, वरदान था कि वो नहीं जलेगी, मगर वह जल जाती है और प्रहलाद बच जाता है क्योंकि वह बुरी थी तो उसका अंत हुआ। तब कहता हूँ कि बुराई राख काली होलिका सी। क्या बात है। बुराई राख काली होलिका सी जी। लगे प्रहलाद सी घर की रंगोली। क्या बात है, क्या बात। क्या मांगता हूँ, क्या बात है। बहुत बढ़िया सार्थक रचना है। दुआ योगी यही होली में मांगे, रहे सबकी भरी खुशियों से झोली। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। रंग बोली बुरा मत मानना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक रचना मैंने अभी नई लिखी है जी, चूँकि होली का अवसर है, थोड़ा हास्य हो जाएगा। जी जी, स्वागत है, स्वागत है। बहुत सीरियसली मत लीजिएगा। नहीं, 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 नहीं। मैं नारियों का बहुत सम्मान करता हूँ और मैं अपनी पत्नी का तो भक्ति ही हूँ, मगर मैं आज नारियों की एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर सीता थी तो शूप नखा भी थी। जी स्वागत पर अपनी पत्नी को शूप नखा मत बोलिए, घर पे खाना नहीं धंधा पड़ेगा। काम और नाम के भेद पर इस कलयुग का प्रभाव देखिए कि औरतों के नाम क्या है, नारियों के, और उनका काम क्या है। देखिएगा कुछ दोहे और कुंडलियों की शक्ल में। बिल्कुल। कि देख कलयुगी नार के कितने अच्छे नाम, लेकिन अपने नाम से उल्टे करती काम। क्या बात है, क्या बात है। और रानी अब घर तोड़ती। हाँ। रानी जबकि घर को जोड़ के रखना चाहिए, लेकिन वही सास बहु झगड़ा, देवर जेठानी झगड़ा, नाम का उल्टा है। नाम तो है रानी, उन्हें घर पे राज करना चाहिए लोगों के दिलों पे, लेकिन हो क्या रहा है। रानी अब घर तोड़ती, करे न घर पर राज, और कर्मवती ससुराल में करती एक न काज। क्या बात है। रानी अब घर तोड़ती, करे न घर पर राज, और कर्मवती ससुराल में करती एक न काज। और शर्मीली दिल खोल कर करे फ्लोर पर डांस, शर्मीली दिल खोल कर करे फ्लोर पर डांस, और आज अहिल्या कर रही इंदर संग रोमांस। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत दूर तक पहुंच गए। और इंदर संग रोमांस अमृता विश की गागर। क्या आप ध्यान दीजिए, बहुत दूर तक पहुंच गए। इंदर संग रोमांस अमृता विश की गागर, और ममता में एक बूंद नहीं ममता का सागर। क्या बात, क्या बात। जो भी मेरे दर्शक हों, जो देख रहे हों, अगर किसी का नाम इससे मिलता हो तो ये आपके लिए नहीं है, ये उन शूपनखाओं के लिए है जो कलयुग के श्राप के कारण आज भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है। तो कहता हूँ कि ममता में एक बूंद नहीं ममता का सागर, और खुशी दे रही कष्ट सभी की आंखें गीली, और लजवंती बिंदास नहीं बिल्कुल शर्मीली। और गीता अब दे पार्थ को गलत सलत उपदेश, नाम गीता है, ध्यान दीजिएगा। गीता अब दे पार्थ को गलत सलत उपदेश, और निज देवर का द्रौपदी खींच रही है। क्या बात है, क्या बात है, क्या विरोधाभास। गीता अब दे पार्थ को गलत सलत उपदेश, और निज देवर का द्रौपदी खींच रही है केश। और अब दिखती मिस भावना दिल से भाव विहीन, नाम भावना है। अब दिखती मिस भावना दिल से भाव विहीन, और रास रचाती राधिका बॉयफ्रेंड है तीन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कृष्ण जी रास रचाते, बड़ा शोध किया आपने, बहुत खूब, बहुत खूब। अब दिखती मिस भावना दिल से भाव विहीन, और रास रचाती राधिका बॉयफ्रेंड है तीन। और पुष्पा सम कोमल नहीं, पुष्प के समान कोमल नहीं, केवल नाम की कोमल है। पुष्पा सम कोमल नहीं है कठोरतम सेज, और झगड़ालू तेजस्विनी इसी काम में तेज। क्या बात है, क्या और इसी काम में तेज निर्मला तनिक न निर्मल, और क्रोध अग्नि में दहक रही है मैडम शीतल। क्या बात, नाम शीतल है। क्रोध अग्नि में आज दहकती मैडम शीतल, और तुलसी आंगन छोड़ घूमती चप्पा चप्पा। क्या बात है। फूल नहीं फ्लावर नहीं, अब फायर बन चुकी मैडम पुष्पा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तुलसी आंगन छोड़ घूमती चप्पा चप्पा, फ्लावर नहीं अब फायर बन चुकी मैडम पुष्पा। और सावित्री अब कोर्ट में पति से करती जंग। क्या बात है, क्या बात। उस युग में सावित्री ने एकदम विरोधाभास है,
यमराज से जंग किया था, लेकिन आज कलयुग में सिनारियो चेंज हो गया, तो सावित्री अब कोर्ट में पति से करती जंग और सीमा सीमा लांघती देख सभी है तंग। क्या बात है। और आज यशोदा पीटती कान्हा को बिन बात, ये क्या बात है, क्या बात है, जबकि यशोदा ने उस युग में देवकी के बहुत बदल गया और आज की यशोदा अपने सौतेले बच्चे को अकारण मार रही है, तो आज यशोदा पीटती कान्हा को बिन बात और पति लक्ष्मण को दे रही संजीवनी आघात। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, इसने रक्षा की बहुत संजीवनी ने। आज कलयुग में सारी स्थितियां बदल गई कि आज यशोदा पीटती कान्हा को बिन बात और पति लक्ष्मण को दे रही संजीवनी आघात और गिरिजा अपने कर्म से गिरी हुई है आज और लीला की लीला देखकर व्याकुल हुआ समाज। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और व्याकुल हुआ समाज, शिखा के कटे बाल है, मेरी पत्नी का भी नाम शिखा है, मेरा भी नाम शिखा है। अच्छा, अरे बाप रे, तब तो मैं हिम्मत कर रहा हूँ। व्याकुल हुआ समाज, बहुत हिम्मती हूँ। शिखा के कटे बाल है और सरस्वती के आज बुरे सुर और ताल है। क्या बात है, बेसुरी है, जबकि सरस्वती नाम का मतलब है सुरों की देवी। और लक्ष्मी पति के नोट उड़ाए जैसे पुर्जा, नाम लक्ष्मी है, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि लक्ष्मी पति के नोट उड़ाए जैसे पुर्जा और नाम एकता किंतु न जाती मस्जिद गिरजा। बिल्कुल, क्या बात तो है। काम नाम की भिन्नता जान सभी है सन्न और ऐसी नारी देखकर कलयुग हुआ प्रसन्न। क्या बात है, क्या और बात मैं है? क्या कहना चाहता हूँ ये रचना के पीछे का उद्देश्य कि रचना का उद्देश्य बस हास्य हो सके प्राप्त, मैं रचना को बंधु करता यही। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। योगी जी आपने तंज बहुत अच्छा कसा है महिलाओं पे, पुरुषों को तो ये जरूर हंसाएगा लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं खुश नहीं हो पाएंगी, घर में मार पड़ेगी, घर में मार पड़ेगी। मैंने बाद में उद्देश्य बताया, अभी सिर्फ बिल्कुल माहौल माहौल को बांधने की कोशिश थी कहीं ना कहीं। मैं कहूंगा बुरा ना मानो होली है। हाँ, ये सही था कि मतलब पूरी गाथा गा दी उसके बाद बुरा न मानो होली है। ये बहुत देखने को मिलता है होली के समय में, गलतियां सब करते हैं और कह देते हैं बुरा न मानो होली है, बुरा मानना भी नहीं है और उसके बाद गलती भी करनी। चलिए माफ किया, आज होली का त्योहार है, होली के दिन सभी गिले शिकवों को दूर करके खुशी का माहौल होना चाहिए, बस हमारा एक ही उद्देश्य है। और अब हम चेत राम जी की तरफ चलते हैं। चेत राम जी जिनका नाम में आगे लगा है अज्ञानी, लेकिन ये बहुत है ज्ञानी, अपनी कविताओं से अपना ज्ञान दिखाने वाले हैं, शुरू करते हैं। स्वागत। सबसे पहले प्राइम टीवी के सभी श्रोताओं को जी चेतराम अज्ञानी का प्यार भरा नमस्कार और कवित्री को दो बार नमस्कार। जी बिल्कुल, जी जी जी। कि काजर म बने धार यु फागुन का असर है। क्या बात है, क्या बात है। कि काजर म बने धार यु फागुन का असर है और चेहरे में खूब निखार फागुन का असर, फागुन का असर है। वाह। और दिन में कई बार कहूं बहुत ज्यादा बूढ़ा कर रहे सिंगार यो फागुन का असर। क्या बात है, क्या बात है। कि होली के ही रंग मा, होली के ही रंग मा सब को ही रंग जाओ, होली के ही रंग माँ सबको ही रंग जाओ, एक दूसरे गले मिल मन का मैल मिटाओ। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छा संदेश है भाई, बहुत अच्छा संदेश, बधाई हो। एक दूसरे गले मिल मन का मैल मिटाओ, बिल्कुल। अरे कि एक हो तो कोई का बताई, ये नेता सब झूठा। क्या बात है, क्या बात है, सब झूठा, बढ़िया व्यंग्य है भाई। एक तरफा गीत बहुत बेकार होता है। बिल्कुल नहीं, सब की बात। एक होए, अरे एक होए तो कोई का बताई, ये नेता सब झूठा है और काहे दोस्त कोई का लगाई, ये नेता सब झूठा है। कि हाथी पंजा साकिल वाले और कमल का फूल, हाथी पंजा पंजा हाथी हाथी पंजा साकिल वाले और कमल का फूल, गांव के प्रधान सभा सा सबका वहाँ वसूल, बस अपना ही भला दिखाई, ये नेता सब झूठा है। वाह। एक हो तो कोई का बताई, ये नेता सब झूठा है। भैया किहिं घोषणा काला धन हम बाहर से ले आई, कि किहिं घोषणा काला धन हम बाहर से ले आई,
15 लाख सबके खाते मा वहे मका पहुंचाइब कोई पावा होए तो हम का देखाई ये नेता सब झूठा। बहुत बढ़िया व्यंग है भाई, क्या बात है, कोई का बताई ये नेता सब झूठा है। एक और देखिए, स्वागत है कि यदुवंशी कह रहे मुलायू हम का नहीं हिताए, किसी का नाम नहीं लेंगे लेकिन आप सभी लोग वहां तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल कि यदुवंशी कह रहे मुलायू हम का नहीं हिताए, राम भक्त पर गोली चलवा सरजुम दिहिन बहाए, क्या बात है जड़नौ रहे हैं छिपाए नेता सब झूठा। बहुत बढ़िया व्यंग भाई, बहुत सही व्यंग है, एकदम हकीकत व्यंग है। एक होए कि एक हो तो कोई का बताई ये नेता सब झूठा है। भैया जलुआ रहा है बिहार के भीतर झंडा खूब फहराए, जलुआ रहा है बिहार के भीतर झंडा खूब फहराए, धुआखा दिन हवें हर हन का चारा गे सब खाए, अब लाइन टेन परी है बुताई नेता सब झूठा। क्या बात है कि सच्चाई है कि लाइन टेन परी है बुताई नेता सब झूठा है। बढ़िया, एक हो तो कोई का बताई नेता सब झूठा है। कि भैया नारा लगा रहा यूपी माँ मचगा हाहाकार, कई साल पीछे जाइए जी स्वागत है। नारा लगा रहा यूपी माँ मचगा हाहाकार, तिलक तराजू और तलवार के जूता मारो चार, मिसर करती अगुवाई। क्या बात है बहुत बढ़िया व्यंग भाई। एक होए तो कोई का बताई, बहुत बढ़िया भाई। तो किसी ने यहाँ पे भाभी देवर की होली बताई तो किसी ने नेताओं की पोल खोली है, तो नेताओं की पोल सीधे सीधे खुलती हुई नजर आई है। बहुत अच्छी पेशकश करी, किसी ने एक तरफा गीत गाया, किसी ने एक तरफा कविता सुनाई कि हाँ भैया सरकार बन गई है तो सरकार में होली अच्छे से मनाई जा रही है, काफी खुशी देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरह से अभी हमारे साथ मौजूद है कवि जी, उन्होंने बताया कि सारे ही नेता झूठे हैं, तो किसी को भी नहीं छोड़ा, सबकी पोल खोलते हुए नजर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सभी का जुड़ने के लिए और अपनी इस अच्छा समय देने के लिए, अपनी पेशकश के लिए। हमारे साथ आशुतोष आशु जी, योगी योगेश शुक्ला जी, चेतराम अज्ञानी जी जुड़े थे जिन्होंने अपनी पेशकश दी है। तो उद्देश्य बस इतना सा था कि होली का समय है और होली में बस खुशियां ही खुशियां होनी चाहिए। आपको हंसाने का उद्देश्य था ताकि आपकी होली अच्छे से बीते। प्राइम टीवी के इस कार्यक्रम में आपने मशहूर कवियों की प्रस्तुति को सुना और महसूस किया कि क्यों होली के त्योहार को सबसे अलग और सबको जोड़ने वाला पर्व कहा जाता है। भले ही बाहर कितनी लड़ाई हो लेकिन होली के दिन सब एकजुट होके रंग गुलाल खेलते हैं, गले मिलते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं। तभी तो एक प्रसिद्ध फिल्म के यादगार तराना आज भी हमारे मन में अलग ही उमंग भर देता है और हमारा मन एक अलग सी उड़ान भरने लगता है, क्योंकि हम सब अपने सुहाने बचपन में पहुंच जाते हैं और गाते हैं कि होली के दिन दिल खिल जाते हैं और रंगों में रंग मिल जाते हैं। तो आज के रंगारंग कवि सम्मेलन को यादगार बनाने वाले सभी मेहमानों का हम धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि रंग गुलजार की आई बहार है, अब खुलकर रंग बिखरे, रंगों का ये त्योहार है। प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को हैप्पी होली, नमस्कार। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।